बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया से। आज एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है कि ड्राइवर की उम्र कितनी होनी चाहिए सऊदी अरेबिया के अंदर आने के लिए, ड्राइवर के वीज़े का नाम क्या होगा। हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। अगर आपको कोई एजेंट वीज़ा दे देता है और आपको पता ही नहीं होता ये ड्राइवर का वीज़ा है या कोई मज़दूरी का वीज़ा है या किसी भी और काम का वीज़ा है, आपको तो पता नहीं। सिर्फ जस्ट आदमी को पता होता है कि मैंने सऊदी अरेबिया के अंदर जाना है, लेकिन उसको उसके प्रोफेशन का नहीं पता। जो वो वीज़ा ले रहा है उसका वीज़ा वो कौन सा है, या आपको ये ज़रूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या एजेंट के पास वीज़ा पड़ा होगा, वो बिकता नहीं होगा या कोई ले नहीं रहा होगा, अच्छे प्रोफेशन का नहीं होगा, तो वो आपको इजीली बेच सकता है, उसको बेच सकता है जिसको इलम नहीं होगा। अगर जिस बात भाई को इलम होगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी सऊदी अरेबिया के वीज़ों के बारे में, तो वो उससे वीज़ा कभी नहीं लेगा। तो हमारे दोस्तों, हमें कोई लाइक नहीं चाहिए, मुझे किसी लाइक की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश होऊंगा अपने पाकिस्तानी इंडियन भाई बांग्लादेशियों को, किसी भी कंट्री से आप तल्लक है आपका, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है, तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सके और आप हमें अच्छे अल्फाजों में याद करें। लेकिन भाईजान, अगर आप सऊदी अरेबिया का ड्राइवर वीज़ा लेना चाहते हैं तो भाईजान इससे आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र नहीं आपकी होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर वीज़ा ले रहे हैं या दूसरा भी कोई भी वीज़ा ले रहे हैं तो 21 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। और ड्राइवर वीज़ों के नाम कौन कौन से हैं, ड्राइवर वीज़ों के नाम कौन कौन से हैं, क्या आपको पता है? ये आपको लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जब आप वीज़ा लेते हैं उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप वीज़ा ख़रीद लेते हैं, वीज़ा लगवा लेते हैं, सऊदी अरेबिया में आते हैं, तो फिर काफ़ी आप परेशान होते हैं, जिसके लिए आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। आपके पास हुनर कोई और होता है और आपके पास वीज़ा कोई और होता है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को 1000 रियाल देना पड़ता है अलग से। वो आपकी एक गलती होती है छोटी सी, जब आप सोचते नहीं अपने मुल्क में बैठे हुए कि हमें वीज़ा कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे साय खास, जो कफ़ील के साथ काम करने वाला होता है वीज़ा, उसके बोला जाता है साय खास, सऊदी के घर में काम करने वाला। और उसके बाद सायक शाहाना, सायक अमूमी और सायक तगीला, इन 3 वीज़े हैं ऐसे। और अगर बस का ड्राइवर है तो वो भाईजान, उसको हाफलात का वीज़ा कहा जाता है, सायक हाफलात। बस के ड्राइवर को यह सायक हाफला कहा जाता है। और जोन सा भी आप वीज़ा लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कौन सा आपने वीज़ा लेना है, आपके पास कौन सा हुनर है। लेकिन मैं ज़रूर ये इस वीडियो के तौल से अपने पाकिस्तानी इंडियन भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि कोई भी आप वीज़ा लेना चाहते हैं, आपके पास उसका हुनर होना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया के अंदर हुनर के बगैर आप आएँगे तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि इकामा काफ़ी महंगा है, 10,000 रियाल का इकामा लगता है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के 10,000 रियाल इकामे का सिर्फ पैसा है, जो आपके लिए अकेले के लिए बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको ये मुकम्मल